Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, फ्रेंकी टेक ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी फोल्डर, फाइल या डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाए तो उसे हम वापस कैसे लाए या रिकवर कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिकवर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। आपको गूगल से डाउनलोड करना हो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर लेवे पांडा रिकवरी और एंटर देवे। एंटर देने के बाद यहाँ पर नीचे ये पांडा रिकवरी डाउनलोड का लिंक है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये लिंक ओपन हो गया। डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक देंगे। ये आगे का पेज खुला। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे अटेम्प्टिव डाउनलोड पर क्लिक देंगे और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा प्रोसेस पूरा होने के बाद। अगर डाउनलोड ऑटोमेटिक ना हो तो यहाँ से आप मैन्युअली पर डाउनलोड कर सकते हैं, पर यहाँ से मेरा ऑटोमेटिक डाउनलोड चालू हो गया। देखिए, अगर ये डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड होने के बाद अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये आया है। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं राइट क्लिक ओपन यस और मैं लैंग्वेज इंग्लिश ही रखूँगा। ओके, कंटिन्यू देंगे, नेक्स्ट देंगे। इसके बाद ये इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, आई एग्री। सी प्रोग्राम में उसे हम इंस्टॉल करेंगे, इसलिए नेक्स्ट। ये हमसे पूछ रहा है कि आपका ये टूल बार आपको चाहिए, तो मैं इसको अनबॉक्स दे दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक दूँगा। ये देखिए, हमारा ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। ये रन कराऊँगा मैं यहाँ पर चेकबुक पर क्लिक दे के, यहाँ पर फिनिश, ये ऑटोमेटिक रन हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारा ये पांडा रिकवरी इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक डिलीट हुआ डेटा कैसे वापस लाते हैं, तो एक डेमो करके आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं और उसको हम डिलीट करते हैं और वापस उसको हम रिकवर करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने एक ड्राइव में एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, जिसका नाम मैं टेस्ट रखता हूँ। ओके, अब इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप शिफ्ट और डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आर यू श्योर वॉन्ट परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, और यस, ये फोल्डर हमारा परमानेंटली डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसे हम वापस कैसे लाए। इसके लिए मैं वो पांडा रिकवरी वापस लॉन्च करता हूँ। इसके लिए यहाँ से मैं स्टार बटन से ही लॉन्च करता हूँ पांडा रिकवरी और यहाँ पर यस। इसके बाद एक्सिट विजार्ड पर क्लिक देते हुए सॉफ्टवेयर में हमने फोल्डर बनाया था, तो मैं सॉफ्टवेयर वाला ड्राइव खोल लेता हूँ। यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर ऐप खुल चुका है, ये ड्राइव खुल चुका है। इसके लिए देखिए, यहाँ पर टेस्ट नाम का हमने फोल्डर क्रिएट किया था जो यहाँ पर आ चुका है। क्रॉस, रेड क्रॉस करके यहाँ पर जितने भी फोल्डर मैंने इस ड्राइव में से डिलीट मारे हैं यहाँ पर रेड क्रॉस करके आ जाएंगे। तो अगर आपको वो वाले फोल्डर भी चाहिए जो मैंने डिलीट ना मारा हो, तो यहाँ पर ये बेल आइकॉन पर शो डिलीट आइटम ओनली, यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टेस्ट नाम का फोल्डर को हम रिकवर कर लेते हैं। देखिए, रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक दूंगा और उसके बाद राइट क्लिक देने के बाद रिकवर टू ब्राउज़र में, किस ब्राउज़र में आपको इसको रिकवर करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर ही रिकवर कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर रिकवर, उसके बाद रिकवर नाउ। ये देखिए, फोल्डर रिकवर हो गया। ये शो रिकवर फाइल एक्सप्लोरर व्हेन द विंडोज इज क्लोज, ये मैं क्लोज दूंगा तो फाइल कहाँ पर रिकवर उसका लोकेशन खुल जाएगा।
ये देखिए ये डेस्कटॉप खुल चुका है और ये फोल्डर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था, ये टेस्ट नाम का फोल्डर आ चुका है। ऐसे हम सारे फोल्डर, कोई भी फोल्डर फाइल डेटा या कोई भी आपका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो या डेटा फाइल हो और डिलीट परमानेंटली डिलीट हो गया हो तो हम ऐसे उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि अगर आप सिर्फ नॉर्मल डिलीट एंड प्रेस करते हैं, उसके बाद वो डिलीट फाइल आप रिसाइकल बिन में से डिलीट करते हैं, तो उसकी वो फोल्डर वो फाइल हम वहाँ पर नहीं देख सकते जहाँ से हमने पांडा रिकवरी में वो फाइल हम रिकवर नहीं कर सकते। इसको पर इसको रिकवर करने के लिए आपको काफ़ी प्रीमियम वर्जन या काफ़ी पेड सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। सो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटे मिली। मैंने चाह चाहू ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। मुझे मेरी ना सुने।